Gleason number 17 automatic combination testing and lapping machine in excellent working condition. This machine can work in testing mode as well as in lapping mode. Both the operations can be done in it. अभी हमने इस मशीन को लैपिंग मोड में चलाया हुआ है. इसका कवर बंद है इसलिए हम स्पिंडल नहीं दिखा सकते. लैपिंग मोड में ये कवर बंद होना चाहिए. इस मशीन में हाइट की भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं. तो इवन दी लैपिंग ऑफ हाई पॉइंट गियर्स इज पॉसिबल इन दिस मशीन. ये लैपिंग पेस्ट का पंप है. ये रोटेशन देख सकते हैं कैम इस समय चल रही है. ये रिवर्स हो गया. अभी ये लैपिंग मोड में चला रखी है. ये इसका लैपिंग के लिए ब्रेक लोड के लिए पंप है. जो क्राउन जब चलता है, जो क्राउन डिवाइड चलता है, तो ये अपने आप ही इसका ब्रेक लोड हो जाता है. जितनी फास्ट क्राउन चलेगा उतना ज़्यादा अपने आप लोड पड़ेगा. जो ब्रेक लोड है उसकी एडजस्टमेंट यहाँ से होती है. एक फॉरवर्ड के लिए है, एक रिवर्स के लिए है. दोनों की ब्रेक लोड फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं. ये टाइमिंग गियर है. फॉरवर्ड में कितना देर लैपिंग करनी है और रिवर्स में कितनी देर लैपिंग करनी है, ये इसके लिए होते हैं. अगर हमारे रिवर्स में ज़्यादा गियर में एरर है तो गियर उसी हिसाब से डाल के रिवर्स में ज़्यादा देर लैपिंग कर सकते हैं. फॉरवर्ड में ज़्यादा देर लैपिंग करना चाहें तो उसी हिसाब से गियर चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले अभी हम इस मशीन को टेस्टिंग मोड में दिखा रहे हैं. अभी जो इसका स्विच है वो हमने टेस्टिंग भी कर दी है. अभी हम टेस्टिंग मोड में दिखा रहे हैं मशीन. ठीक है, ये हाइड्रोलिक से स्लाइड आगे लेके जाओ. ठीक है जी, और जो एडजस्टमेंट करनी हो गियर के हिसाब से वो वहाँ से करते हैं. ठीक है, फिर से एक बार पीछे ले आओ, फिर से आगे ले जाओ. ठीक है, अभी हम टेस्टिंग मोड में चला रहे हैं. जो कवर ओपन करके चलेगा सामने की तरफ, इस तरफ पिनियन माउंट होगा एंड इस तरफ क्राउन माउंट होएगा. जो ड्राइव आता है वो पिनियन की तरफ आता है एंड क्राउन जो होता है वो ड्रिवन होता है. टेस्टिंग के टाइम पे जो क्राउन पे लोड पड़ना है वो हैंड हाथ से देते हैं. ठीक है, ये हैंड ब्रेक है, इससे लोड देंगे. ठीक है जी, एक बार चलाओ. एक बार इसका फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में चलता है. ये रिवर्स है और वो फॉरवर्ड है. रिवर्स में चलाओ एक बार. ठीक है, जितनी देर दबा के रखेंगे उतनी देर चलेगा. छोड़ो. ठीक है, छोड़ने में बंद हो जाएगा. अभी ये रिवर्स था, अभी फॉरवर्ड चला दो. चला के दबा के रखो. ठीक है, ये अभी फॉरवर्ड चला दिया. ठीक है, ये टेस्टिंग मोड में चल रहे हैं. अभी टेस्टिंग मोड में जब देंगे तो ब्रेक जो देंगे वो हैंड से देंगे. ठीक है जी, अभी हम इस मशीन को लैपिंग मोड में चलाएंगे. नॉर्मली ये डोर बिना क्लोज करे लैपिंग मोड चलता नहीं है. हमने अभी लिमिट को रोक दिया है जिससे लैपिंग मोड हम डोर ओपन में दिखा सके. दिखाओ जी लैपिंग मोड में कैसे चलाओगे. ठीक है, ये लैपिंग की तरफ किया और ये साइकिल ऑन, ये साइकिल ऑफ है. ठीक है, साइकिल ऑन कर दो जी. ठीक है, ये साइकिल ऑन हो गई है और जो पिनियन है यानी जो ड्राइव कर रहा है वो रोटेशन स्टार्ट हो गई है फॉरवर्ड की तरफ.
सॉरी रिवर्स की तरफ रोटेशन स्टार्ट हो गई है उसकी, और अभी ऑसिलेशन मोटर भी हमने डबल स्पीड पे कर दी है। ये ऑसिलेशन देख सकते हैं हम, ठीक है ये रिवर्स हो गया। अभी जो स्पिंडल चल रहा था अभी रिवर्स पे चल रहा था, अभी वो फॉरवर्ड हो गया है। कैम रोटेट कर रही है वो यहां से देख सकते हैं। अभी ये फास्ट इसलिए घूम रहा है क्योंकि हमने ऑसिलेशन की मोटर डबल स्पीड में चला रखी है। अगर लैपिंग टाइम इंक्रीज करना हो तो ऑसिलेशन की मोटर को स्लो कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ये अपनी होम पोजीशन पे आएगा ये अपने मशीन रुक गई, ठीक है। ये वन साइकिल लैपिंग की कंप्लीट हो गई है। एक बार फिर से ऑन कर दो जी साइकिल, लैपिंग की साइकिल पर फिर से दिखा दो। ये स्पिंडल ऑसिलेट कर रहा है ये हम देख सकते हैं। ये हैंडल से डिसाइड करते हैं कि उसका जो लैपिंग है वो टो पे करना है उस पे, ठीक है। बीच में जो ये झटका मारता है वो फॉरवर्ड हो जाता है, जब स्टार्ट होता है तो रिवर्स में स्टार्ट होता है, रिवर्स लैपिंग में, और बीच में हाफ साइकिल बाद वो फॉरवर्ड में हो जाता है। ठीक है अभी डायरेक्शन देख सकते हैं और नई साइकिल स्टार्ट करेंगे तो उसमें डायरेक्शन रिवर्स है, ठीक है। ये ऑसिलेशन की मोटर है वो सिंगल स्पीड पे कर दो, ठीक है। ये अभी देख सकते हैं ऑसिलेशन की स्पीड अभी कम हो गई है, फिर से कर दो, तेज कर दो, डबल स्पीड कर दो, ये तेज हो गई है। The machine is complete with its operating manual. The machine is in very good working condition. This machine is capable to do testing as well as lapping. The machine is in excellent working condition and all the features are working perfectly fine.